हेलो बच्चों, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, तो वेक्टर में कुछ छोटा छोटा टॉपिक हम लोग देखे थे। तो आज का जो हम लोग का सवाल है, वेक्टर से कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसमें से आपका आएगा डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, इनवर्स बटर कैसे निकालते हैं, तरह तरह का क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी मैंने यहाँ सवाल लिया आपको सवाल दिख रहा है 1 2 3 4 चार सवाल लिए हैं। ये चारों सवाल सिर्फ जे बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये जो सवाल है आपका बोर्ड में सिर्फ ऐसा सवाल 1 मार्क्स का ही पूछता है, 1 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हो सकता है इन चारों में से कोई एक 1 मार्क्स में आ जाए, बहुत ईजी रहता है। ये चारों सवाल है एक मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम लोग सवाल पे जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए तरीका क्या है सॉल्व करने का, सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं, मान लिया सॉल्यूशन 1 का कर रहे हैं। तो पहला क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जेड सो दैट द गिवन वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। कहने का मतलब है कि आपको इसमें देखिए ये वेक्टर दिया हुआ है, इसमें दो अननोन दिया हुआ है एक्स और जेड, ये वेक्टर भी है जिसमें एक अननोन दिया हुआ है। तो आपको बोला कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बताइए, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए भी यहाँ पर आपको क्या बोला है, इंडिकेट कर दिया कि ये जो दीजर वेक्टर है, मतलब ये दोनों वेक्टर है वो दोनों वेक्टर आपस में क्या इक्वल है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर हमारे पास इक्वल है, इक्वल वेक्टर कहने का मतलब क्या था भाई, इक्वल वेक्टर कहने का मतलब था, एक बार ध्यान से देखेंगे, इक्वल वेक्टर कहने का मतलब था वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होता है, दोनों सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर, जिसका डायरेक्शन भी वही होता है और मैंने जो मान लीजिए बी और ए दो वेक्टर है, इन दोनों को हम इक्वल तब बोलेंगे जब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, वैसे हम लोग क्या बोल रहे थे, इक्वल वेक्टर। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो देखिए सॉल्यूशन में आप लोग को देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ, गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर कितना दिया हुआ, वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड कैप, एंड वेक्टर बी जो हमारे पास दिया हुआ है, वेक्टर बी का बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जेड वाई जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है ना। आर इक्वल ध्यान दें, आर इक्वल कहने का मतलब क्या, दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब एक, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वल वेक्टर से अब हम लोग लिख सकते हैं, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा, दोनों इक्वल है, इसका मतलब वेक्टर ए क्या है मेरा एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के इज इक्वल टू वेक्टर बी 2i प्लस yj प्लस k, ऐसा होगा यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं वेक्टर इक्वेशन, यहाँ पे क्या सिंपल से यहाँ पे दिखा कि दोनों जब इक्वल है तो देयरफॉर देख सकते हैं x बराबर 2 हो जाएगा एंड y बराबर भी 2 होगा एंड z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिर्फ x का स्केल कंपोनेंट को इधर y के कंपोनेंट से इक्वल कर दीजिए, i का एक्स्ट्रा कंपोनेंट x है बराबर का उधर का एक्स्ट्रा कंपोनेंट कितना है, स्केल कंपोनेंट कितना 2 है, तो x के जगह पर 2 हो जाएगा, इसको और इसको अगर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो y की जगह 2 हो जाएगा, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो z की जगह 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर ऑफ x y z का, मतलब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द इक्वल वेक्टर x और y का, ऐसा सवाल आप लोगों को एक नंबर में पूछिएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन 2 में क्या होगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जिसमें से यूनिट वेक्टर कितना होता है, गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस करके, यूनिट वेक्टर हम इसको बोलते हैं वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर ना, जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 मिले वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या था आपको पता है, यूनिट वेक्टर बराबर अगर ए कैप बराबर लिखेंगे तो ए बटा ए का मैग्नीट्यूड ऐसा लिखे थे हम लोग, ये यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए, यहाँ पर क्या है यूनिट वेक्टर, क्या है यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कैप
बटा ए का मैग्नीट्यूड ऐसा होता है, ये दोनों सेम बात है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, नाउ देखिए यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या जाएगा, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर और प्लस वन का स्क्वायर, नहीं वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, फोर प्लस नाइन प्लस वन, तो ये हो जाएगा नौ और ये फोर्टी, ऐसा होगा। देयरफॉर बिकम्स इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है मेरा, ए कैप इज इक्वल टू ए बटा ए का मैग्नीट्यूड, इट मीन्स इसका मतलब हो जाएगा टू आयोटा प्लस थ्री जे प्लस के बटा रूट अंडर 14, इसका मतलब टू रूट 14 आयोटा, सॉरी आयोटा आई कैप और थ्री बटा रूट 14 जे कैप प्लस वन बटा रूट अंडर 14 के कैप, ठीक है, ए कैप विच इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो दूसरा हम सवाल देखिए कि ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से अगर मैं उसी वेक्टर को डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। आप देख लीजिए इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा, इसका मतलब कितना मिलेगा, 1, इसका मतलब हमने यहां पे क्या निकाला था, यूनिट वेक्टर निकाला। दूसरा सवाल मेरे पास क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर इसका और इसका, ये दो वेक्टर दिया हुआ है, देखिए a बराबर ये है और b बराबर ये दिया हुआ है, इसमें भी आपको यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है, लेकिन डायरेक्शन किसका लेना है, डायरेक्शन किसका लेना है, इन दोनों वेक्टर का सम और एक्शन लेना है। इसका मतलब आप इसको देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा बात है, जैसे आप लोग यहां पे सॉल्व करें, बहुत इजी सी सवाल है ये, सवाल 1 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में और लगभग बार पूछा गया है इस टाइप का सवाल, इसमें से कोई भी हो सकता है, यूनिट वेक्टर पूछ ले, डायरेक्शन रेशियो एक्शन कोसाइन पूछ ले, या फिर आपसे XYZ की वैल्यू पूछ ले दो वेक्टर को इक्वल दे करके, तो इस टाइप से सवाल इसमें आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर जो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, थर्ड में सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ, गिवन दैट वेक्टर a इज इक्वल टू, हमारे पास वेक्टर इक्वल टू कितना, a टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फाइव के कैप, एंड दूसरा वेक्टर हमारे पास b है और b के पास कितना दिया हुआ है, टू आई कैप और प्लस का j प्लस का थ्री कैप, नहीं तो आपको सबसे पहले क्या बोला है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑफ द सम ऑफ वेक्टर इसका, इन दोनों का सम और एक्शन लेना है। इसका मतलब सबसे पहले नाउ मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना होगा, a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 2j कैप माइनस 5k कैप और बीच में प्लस का साइन होगा, प्लस के साइन के साथ क्या आएगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप होगा। वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर एडिशन मैंने बताया था कि सेम वाला साइन के साथ ऐड होगा, 2i के साथ ऐड होगा तो 4i हो जाएगा, 2j 3j हो जाएगा, माइनस 5 मिलेगा तो माइनस 2k कैप हो जाएगा, ये क्या निकलेगा, a प्लस b वेक्टर। तो हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, a प्लस b बटा a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर इसको हम c वेक्टर से करते हैं, c वेक्टर अगर हम इसको मान लें तो अभी जो फार्मूला आया मेरा वो c वेक्टर इज इक्वल टू c बटा c का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो निकाले बोल रहे हैं आपसे इन दोनों का सम करके निकालने बोल रहा है। तो हम लोगों ने, आप ऐसा कर लीजिए, अगर या तो फिर इसको सी मान लेंगे तो ये लाइन को नहीं लिखेंगे, समझ पा रहा है, अगर इसको सी से कर लिए तो मेरा सी बराबर हो जाएगा, तो इस लाइन को नहीं लिखेगा, सी इसको नहीं मानेंगे तो ये लग जाएगा। इसका मतलब अब जो हमारे पास है, अगेन सी का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकाले तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 16 प्लस 9 प्लस 4, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 29, देख लीजिए 16 4 20 और 9 कितना हो गया, 29 हो जाएगा। तो देयरफॉर आप इसके, इसको अगर मान लीजिए ये वन मान दें हम लोग, देयरफॉर बिकम्स इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अगर आया
तो c बराबर हमारे पास c यूनिट वेक्टर है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बटा c का मैग्नीट्यूड। c मतलब क्या है यहाँ पर, 4 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 2 k। c हम लोग किसको माने, इसको c सपोज करनी है, क्या बोले, इसको c सपोज करनी है। और नीचे c का मैग्नीट्यूड हमको कितना निकालना है, रूट अंडर 29। इसको आप लिख दीजिए c कैप बराबर 4 बटा 29 i कैप प्लस 3 बटा 29 j कैप माइनस 2 बटा 29 k कैप। ये हमारा क्या होगा आंसर। तो इसी तरह से तो थर्ड का आंसर निकाल लिए, राइट। फोर्थ सवाल में ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये और ये दोनों ही लगभग आपको एक मार्क्स का पूछ लेता है, राइट। का पहले राइट का रेशियो ऑफ द वेक्टर इसका एंड हेंस कैलकुलेट द राइट कोसाइन, ये वेक्टर दिया हुआ जिसका आपको क्या लिखना है, डायरेक्शन रेशियो लिखना है उसका, और उसका दूसरा चीज क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन। माने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हमसे दोनों पूछा जा रहा है, तो दोनों पूछने का जो है वो एक वेक्टर के द्वारा एक वेक्टर से पूछा, वेक्टर क्या हमारे पास कौन सा वेक्टर दिया हुआ, पूछने का दो तरीका हो सकता है। या तो एक देखिए सेकेंड सवाल में आपको इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, वो अगर किसी दो पॉइंट दिया जाएगा, वेक्टर आपको नहीं दिया गया, वेक्टर बना करके नहीं देगा आपको, वेक्टर क्या करना है उसी बनाना है, और वेक्टर बना करके उसके बाद उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, उसके बाद उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ऐसा तरीका हो सकता है। बट यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको वैसे वेक्टर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, जो कि आपको पहले से क्या दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है ना। तो 4 का जो आंसर होगा, देखिए 4 में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आई प्लस जे कैप माइनस 2k, ठीक है। तो देखिए ध्यान देने में बहुत सी मतलब आता है, अगर मान लीजिए हमारे पास r बराबर कोई वेक्टर था एक्स आई प्लस वाई जे और ये जेड के, तो आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो जो था वो सिंपल एक्स वाई जेड, माने किसी भी वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होता है, किसी वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। किसी भी वेक्टर का कोई वेक्टर दिया हुआ है अगर उसका स्केलर कंपोनेंट जो है वो सिंपल है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन रेशियो। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो होता है आपका, वो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन जो आपका होता है, आपको पता कि एन एम एन था जिसको हम लोग कॉस अल्फा कॉस गामा और कॉस बीटा बोले थे, एल बराबर हमारे पास फॉर्मूला आया था, एल बराबर क्या था, एक्स बटा अंडर रूट, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो में वाई जेड स्क्वायर ऐसा था। एम बराबर कितना था, एम बराबर कितना था, एम बराबर हमारे पास क्या था, वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एम बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला था वो जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरे शब्द में अगर मान लीजिए इस वेक्टर में इसी का मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं, ऐसा मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूंगा, तो ये तो आपका बन गया यूनिट वेक्टर, और इधर जो भी बनेगा माने x बटा r का मोड आयोटा प्लस y बटा r का मोड j प्लस j कैप सर i कैप होगा और z बटा मोड ऑफ r ये k कैप हो जाएगा, यानी ये जो चीज होगा ये वाला चीज हो जाएगा आपका क्या कहेगा, डायरेक्शन कोसाइन। यहां बात को ये समझना है, किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट जो होता है उसका कोसाइन डायरेक्ट, सॉरी किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट जो होता है उसका वेक्टर डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। लेकिन किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोल सकते, बट किसी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, सॉरी किसी यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होगा उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे तो यही तो फार्मूला है मेरा ना, x बटा r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी हमारे पास अगर यूनिट वेक्टर है और उसका डायरेक्शन, उसका जो यूनिट वेक्टर है उसका जो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट का मतलब क्या हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो हमारे पास दो तरीका बनाने का है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, दो तरीका, एक तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर a है इसका ये स्केलर कंपोनेंट 1 बटा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ जो भी स्केलर कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है।
क्या बोल सकते हैं वेक्टर इक्वेशन, ये ज्यादा इजी है। मतलब किसी नॉर्मल वेक्टर का कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर उस वेक्टर का आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो मुझे सबसे पहले उस वेक्टर को क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर जैसे ही निकालेंगे, जैसे आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा, उस यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। और दूसरी बात क्या रखना है, किसी भी वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर नहीं होना चाहिए आपके किसी भी वेक्टर का, किसी वेक्टर का सिर्फ यूनिट वेक्टर को छोड़कर के, यूनिट वेक्टर को छोड़कर के कोई वेक्टर आपके पास अगर दिया हुआ है उसका जो स्केलर कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कोई झंझट नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले अभी यहाँ क्या करेंगे, इस वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर ए के बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा ए का मैग्नीट्यूड ऐसे हो जाएगा। वेक्टर बराबर निकालेंगे तो इसका मतलब आई प्लस जे माइनस टू के हो जाएगा, ऊपर ए के जगह पर रख दिया और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग नीचे रखते हैं माइनस टू के, तो हो जाएगा आई प्लस जे माइनस टू के कैप हो जाएगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन का स्क्वायर वन ही होगा और टू का स्क्वायर चार हो जाएगा, यानी कि आई कैप जे कैप माइनस टू कैप और नीचे अंडर रूट सिक्स, इसका मतलब वन बटा रूट अंडर सिक्स आयोटा सॉरी आई कैप बटा वन बटा रूट सिक्स जे कैप माइनस टू बटा रूट सिक्स के कैप, ये किसका हो जाएगा, ए वेक्टर का। इसका मतलब बच्चों ध्यान देंगे डायरेक्शन कोसाइन जो आपका हो गया, डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, वन बटा रूट सिक्स, वन बटा रूट सिक्स और माइनस टू बटा रूट सिक्स, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। माने यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होता है, बार बार स्केलर कंपोनेंट का मतलब समझते हो, स्केलर अगर मान लीजिए आपको x बराबर, ध्यान दीजिएगा r बराबर अगर पास x आयो प्लस y j और प्लस अगर j कैप है, तो जो x y और z, सिर्फ x y z को हम लोग बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, लेकिन इस पूरे पार्ट को x y को i को बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट। तो यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग कह सकते हैं क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। इस चीज को ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो आपका क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट इसका कितना है, 1, इसका कितना है भाई, 1 और इसका कितना है, माइनस टू। माने डायरेक्शन रेशियो आई जे के का कोएफिशिएंट को लिख देना है, आई जे के का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियो। तो ये हमारा था डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। कुछ सवाल जो हम लोगों है वो नेक्स्ट वीडियो में भी देखते हैं, कुछ सवाल इसी तरह से होगा, अब बहुत ही अच्छी सवाल होगा, कुछ सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थोड़ा सा चेंजिंग करके, ठीक है।